जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके जय भवानी भैरवी मृडालिनी शिवालिके। मेरा व्रत ये स्वीकार कर लो हम पे कृपा बरसा दो जीवन में कोई दुख ना हो कभी। हो मैया सदा सुहागन रहे हम सभी अंत समय तक सिंदूर रंग का पड़े न मैया फीका सदा चमकती रहे ओ मैया माथे मांग कटीका। हाँ तेरी जोत जलाऊं मैया शीश नवाऊं मैया अन और जल ग्रहण करें तभी। हो मैया सदा सुहागन रहे हम सभी। हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जय माता करवा। प्रिय भक्तगणों आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज अखंड सौभाग्य देने वाली करवा चौथ का व्रत है। प्रिय भक्तगणों आज कई सालों बाद बड़े ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शिववास योग सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ संकष्टि चतुर्थी व्रत का भी बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए करवा चौथ माता के साथ साथ श्री गणेश जी तथा भगवान शिव माता पार्वती की आप सभी भक्तों पर कृपा बरसने वाली है। आज के दिन इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से करवा चौथ माता भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सुहागिनों का सुहाग अखंड होता है। पार्वती माता की कृपा से सुहागिनों के सुहागों पर आज तक नहीं आती। घर में सुख शांति तथा मान प्रतिष्ठा बनी रहती है तथा माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति बहुत ही वृद्ध तथा शरीर से निर्बल थे। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और फिर बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी। उसमें काफ़ी बल था। अपने सूती साड़ी के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताइए। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड मिलना चाहिए। यमराज ने कहा, हे देवी अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं दंड कैसे दे सकता हूँ। करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर वहीं पर खड़े चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति दीर्घ आयु होगा और हर सुख समृद्धि से जीवन जिएगा। चित्रगुप्त जी ने यह भी कहा कि हे देवी करवा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, जिससे मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आज के ही दिन
जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। अब चित्रगुप्त ने करवा माता को यह आशीर्वाद दिया और उन्हें वहाँ से विदा किया और करवा माता सदा के लिए सौभाग्यवती और अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं। और तभी से करवा माता के आशीर्वाद से सभी सुहागिने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता करवा, जय हो माँ करवा, हे माता करवा। जिस प्रकार आप अखंड सौभाग्य को प्राप्त होती हैं, ठीक इसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले अपने भक्तिनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के सात बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह आज सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। अब देखिए, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छननी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बुलाता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाती है। वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है, और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। अब इस पर उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद बहन निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित कर देगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे यही बात दोहराती है, तो वह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। अब देखिए, सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा
नहीं छोड़ती। अब देखिए भगवान की कृपा, अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का कलेजा पसीज जाता है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा यानी कि उस बहन को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, बीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। वह जब बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजा से हुआ। विवाह के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। बीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। बीरवती बहुत ही कोमल नाजुक थी, वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश हो गई। उसके सात भाई थे और उसका बहुत ही ध्यान रखते थे। अब देखिए उन भाइयों ने अपने उस बहन का व्रत तुड़वा देना ही ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चाँद निकलना बताकर बीरवती का व्रत तुड़वा कर भोजन करवा दिया। जैसे ही बीरवती ने खाना खाया तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे शिव जी और माता पार्वती जी मिले। माता पार्वती ने उसे बताया कि हे पुत्री, उसने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। बीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। बीरवती जब अपने महल पहुंचती है तो उसने देखा राजा बेहोश था और उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी थीं। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। एक वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी बीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। अब देखिए भगवान की लीला। बीरवती अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी बीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था तो उसने दासी बीरवती से पूछा कि उसे कुछ मंगाना है क्या। बीरवती ने राजा को एक जैसी दो गुड़िया लाने को कह दिया। राजा एक जैसी दो गुड़िया ले आया। बीरवती हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, रानी दासी बन गई, दासी बन गई रानी। अब देखिए अब राजा ने बीरवती से इसका मतलब पूछा कि तुम हमेशा यह क्यों गाती हो, इसका क्या मतलब है। तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा समझ गया और उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसने बीरवती को वापस रानी बना दिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास और भक्ति पूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। जय माता पार्वती, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की चौथी कथा। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि वह
वही करक चतुर्थी नाम का व्रत तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड बनाता है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उसे किसी ने किया है? भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती, शुक्रप्रस्थपुर नामक शहर में एक देव शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी, सात पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर देव शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर लिया। उसके पश्चात वीरवती अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी माता का व्रत करती है। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ के दिन व्रत उपवास कर सायन काल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र लगाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सड़ानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के निशान और गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सभी भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुंह धोकर पंखा से हवा करके उसको ढाढ़स बधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। वहीं वह प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसके भाभियों ने किया। वीरवती ने भी पूर्व विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आईं, तब वीरवती ने इंद्राणी से यह बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप कर्म से मुझको यह फल मिला है। जय मातेश्वरी, हमारे भाग से आप यहाँ आई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करिए। इंद्राणी ने कहा, तुमने अपने भाइयों के घर रहकर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था, उसी से व्रत दूषित हो गया, तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिसिंचित उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। श्री सूत जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया। उसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर
अतुलीय राज को प्राप्त किया, जिससे सब दुख जाता रहा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय हो करवा माता, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, हे भगवान, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे मांगूं, क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा कि गणेश जी बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लूं। तो बेटा बोला कि हे माँ, तुम धन मांग ले। और बहू ने कहा, नहीं माँ जी, धन नहीं, पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो, और वही भगवान गणेश से मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। अब देखिए, जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, हे बुढ़िया माई, क्या मांगना है? जो मांगना है मांग ले, हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोते दे, और समस्त परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मुझे तो तूने ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वालों को देना जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक ब्राह्मण था, जो नित्य प्रति सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बातों को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। अब देखिए, ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और उस ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि भोजन कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या था, दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की, तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया।
ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी उसी कपड़े को घर ले जाकर पानी में घोलकर उसे पकाकर अपने पति को खाने को देती थी। बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो जतन करना ही होता। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी से बोली कि मेरे घर में आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर आती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर उसका कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख दिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि कौन रो रहा है। उसने बोला कि मैं हूँ, रोज मैं देवरानी के घर से आटा छानने का कपड़ा लेकर आती हूँ, उसे घोलकर पकाकर पति को खिलाती हूँ, लेकिन आज मेरा पति भूखे पेट था, उसे भूख लगी थी, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, देवरानी ने मुझे कपड़ा लाने नहीं दिया, मैं अपने पति को कुछ भी खिला पिला नहीं सकी, इसीलिए उसने मुझे खूब मारा। प्रिय भक्तगणों, अब गणेश जी की लीला देखिए। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ। उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी उसी के घर में शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरों से जगमगा रहा था। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने जाकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माता को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तो जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर गई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा और पूछा, तू इतना धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वह नहीं मानी, उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली, महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा कटकर। गणेश जी फिर वहाँ आए और